तो आज देखते हैं क्लास 11 पाठ समुच्चय सेट की प्रश्नावली 1.2 का इंट्रोडक्शन या परिचय, जिसके अंतर्गत हम आज इसमें समुच्चयों के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखेंगे समुच्चयों का प्रकार, के प्रकार कौन कौन से समुच्चय होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत पहला पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक ना। रिक्त समुच्चय, इसको शून्य समुच्चय भी बोलते हैं, शून्य समुच्चय, और इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट। नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट, ठीक ना। तो जिसे लिखेंगे इसका परिभाषा क्या होता है, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, ठीक ना, उसको रिक्त समुच्चय बोलेंगे, ठीक ना। तो जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं, ए ए यक्ष इस प्रकार है कि यक्ष एक विषम संख्या है, ठीक ना, विषम संख्या है, और इसमें यक्ष बड़ा हो 7 से और छोटा हो 9 से। तो देखिए, अगर एक विषम संख्या लें तो 7 और 9 के बीच में कोई विषम संख्या नहीं होती। 7 के बाद 8 आता है और 9 आता है, तो 8 एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं होता, तो इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे बी सभी यक्ष का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्ष बराबर, ये लिख लें यक्ष स्क्वायर बराबर 4, ठीक ना। और इसमें क्या कंडीशन लेते हैं, यक्ष एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है। तो देखिए, अगर इसको हम हल करें, ठीक ना, इसको हल करके देखते हैं। देखिए यक्ष स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ पर हम यक्ष का मान अगर -2 भी रख दें तब भी बराबर 4 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4, और अगर यहाँ 2 रख दें तब भी ये 4। तो इसके हिसाब से इसका क्या क्या आना चाहिए, 2 और -2, ठीक ना। मगर यहाँ बोल रहा है कि यक्ष एक विषम संख्या ही होनी चाहिए, तो हमको जो उत्तर आ रहा है वो एक सम है और एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी अवयव प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार ये एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। अब देखिए, इसमें एक उदाहरण और लिख लेते हैं, थर्ड में सी, एक सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिखते हैं 2, 4, 6, 8, और यहाँ लिखते हैं डी। डी किस प्रकार का अवयव है, सी के ऐसे अवयव जो विषम हो, ठीक ना, ऐसे विषम अवयव जो विषम हो। सी मतलब ये समुच्चय सी, तो सी समुच्चय भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, समुच्चय सी के ऐसे अवयव जो विषम हो। तो देखिए, इसमें पूरे सम संख्या ही लिखा हुआ है और डी वाले में ऐसा कोई अवयव नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। इसमें तो सब सम संख्या है, विषम संख्या खोजने को बोल रहा है। तो इस प्रकार ये जो डी है, डी जो समुच्चय प्राप्त होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें एक भी अवयव प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई विषम संख्या नहीं लिखा है। और ये बोलता है कि सी के ऐसे ही विषम संख्या, ऐसे ही अवयव को लीजिए जो विषम हो, तो विषम तो है नहीं। इस प्रकार डी रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार रिक्त समुच्चय के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय देखिए, इसको पहले प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसको देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको फाई से लिखते हैं,
ठीक ना, ये फाई कहलाता है, ठीक ना। तो किसी भी ऐसा समुच्चय जिसके रिक्त समुच्चय हो उसको हम फाई से दिखाते हैं, ठीक। या तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, देखिए एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ही नहीं है, ठीक ना, तो इसको ऐसे दिखाते हैं या ऐसे, तो हम लोग इसी को इसी प्रकार ही दिखाएंगे, ठीक ना। ये ज़्यादा यूज में नहीं आता है, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। अब इसके बाद लिखते हैं एकल समुच्चय, यहाँ लिख देते हैं इसको फाई, यहाँ सेकंड नंबर लिखेंगे एकल समुच्चय, इसको बोलते हैं सिंगलटन्स, ठीक ना, सिंगलटन सेट। देखिए नाम से ही लग रहा है जैसे कि इसके ऐसा समूह जिसका एक अवयव हो, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे a बराबर, देखिए a लिख दिया तो इसमें केवल एक अवयव है। इसी प्रकार एक उदाहरण लिख लेते हैं, x बराबर x, सभी x का समुच्चय इस प्रकार कि x स्क्वायर बराबर 9, और x क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक, या तो इसको इतना बड़ा नहीं लिखें तब भी हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं यक्स, देखिए यक्स अवयव है यन का, यन क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक ना। तो ये हो गया सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक ना, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9, और यक्स क्या होगा, यक्स जो अवयव है ये यन का, और यन क्या होता है, ये यन एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पर x का मान क्या रख दें कि 9 के बराबर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 का अगर वर्ग करें तो ये 9 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का वर्ग करेंगे तब भी ये 9 के बराबर आ जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार अगर इसमें हमको क्या क्या मिलते हैं, अवयव 3, -3 और 3 मिलते, ठीक ना। मगर हमको बोला कि यह ना प्राकृतिक संख्या ही होना चाहिए, ठीक ना, तो इसके कारण ये वाला कट जाएगा यहाँ से, ठीक ना। -3 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, इसलिए -3 को हटा दिया। तो अब देखिए जो समुच्चय मिला उसमें केवल एक अवयव है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये एकल समुच्चय का ये उदाहरण हो गया। अब इसके बाद देखेंगे परिमित सेट, है ना, परिमित समुच्चय, थर्ड नंबर देखते हैं, इसमें लिखेंगे परिमित समुच्चय, इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, एक समुच्चय जो रिक्त हो अथवा इसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, है ना, गिना जा सके, निश्चित हो, उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। अब देखिए ऐसे भी कुछ हैं समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या हम गिन सकते हैं, सीधी सी बात है, इसके अवयवों की संख्या निश्चित हो या परिमित हो, ठीक ना, या गिना जा सके, उनको बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में जैसे जैसे इसे उदाहरण लिख लेंगे, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। तो इसका लिख लेंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो निश्चित हो गया 5 है, तो 5 लिख लिया। अब देखिए इसमें लिखेंगे सप्ताह के दिनों का नाम, दिनों का समुच्चय, तुमको पता है 7 दिन होते हैं, सातों को लिख देंगे तो वो अव्यय हो जाएंगे इस समुच्चय के। इसी प्रकार वर्ष के महीनों के नाम,
ठीक ना, तो ये भी एक परिमित समुच्चय है, ठीक ना। तो इस प्रकार परिमित समुच्चय हो गया। अब इसमें देखेंगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो देखिए इसमें जैसे लग रहा है इसका इसका विलोम है, एक समुच्चय जो जिनके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो या अपरिमित हो, तो लिख देंगे यहां पर वह समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या निश्चित न हो या अनिश्चित हो, या अपरिमित हो, ठीक ना, तो उनको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे पहला उदाहरण लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक ना, ये अनिश्चित होता है ना, या अनंत तक जाएगा ये, तो इनको गिन नहीं सकते हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, या प्राकृतिक संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। इस प्रकार ये जो समुच्चय हमको प्राप्त होगा ये अपरिमित होगा। इसी प्रकार दूसरा सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक ना, तो ये अनंत प्राकृतिक संख्याएं आपको सम प्राकृतिक संख्या प्राप्त होंगी। इस प्रकार इसके इस समुच्चय के अवयवों की संख्या अनिश्चित है, ठीक ना, या निश्चित नहीं है, अपरिमित है, तो ऐसे समुच्चयों को हम अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए एक समान समुच्चय होता है, उसको देख लेते हैं। पांचवा लिखेंगे समान समुच्चय, ठीक ना, इसको इक्वल सेट बोलते हैं। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए के प्रत्येक अवयव बी के भी अवयव हों एवं बी के प्रत्येक अवयव ए के भी अवयव हों, ठीक ना, मतलब ए के प्रत्येक अवयव बी में हो और बी के प्रत्येक अवयव ए में भी हों। तो देखिए जैसे एक अवयव ले लिया, एक समुच्चय ले लिया 1, 2, 3, 4, जिसके 4 अवयव हैं, इसी प्रकार बी भी है, तो देखिए 3, 2, 4, 1। तो देखिए हमने बताया था क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती, बस आप देखिए इसके अवयव, तो अवयव यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, और सभी समान हैं, बराबर हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार देखिए हमको जो मिला इसमें हो जाएगा ए बराबर बी, मतलब दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये पहला उदाहरण हो गया। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे ए बराबर यहाँ 2 हैं, 1, 2 और 3, और एक बी लिख लेते हैं, एक समुच्चय जैसे यक्स, सभी यक्स का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो, ठीक ना। तो इसको हम अगर हल करके देखेंगे तो देखिए इसका x का मान कितना आता, देखिए इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इसका हो जाएगा 3 × 6 3x प्लस 2x
प्लस सिक्स, माइनस में रहेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यक्स माइनस तीन माइनस दो यक्स माइनस तीन, तो हो जाएगा यक्स माइनस तीन यक्स माइनस दो बराबर जीरो, ठीक ना। तो यक्स का मान कहाँ से आ जाएगा, यक्स बराबर यहाँ से तीन हो जाएगा और यहाँ पर एक दो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो तीन इसके अवयव हैं और बी का भी अवयव क्या प्राप्त हो गया, दो और तीन। तो इस प्रकार देखिए दोनों अवयव ये दोनों समुच्चय बराबर हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार ये समुच्चयों के प्रकार भी समाप्त हो गया। अब इस पर हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे ये समुच्चय अच्छी प्रकार से हमको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें से हम छांटेंगे कौन परिमित समुच्चय हैं और कौन अपरिमित समुच्चय हैं। जिसके अंतर्गत देखिए पहला देख लेते हैं। देखिए ये यक्ष सभी यक्ष का समुच्चय इस प्रकार है कि यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या है, इसको देखेंगे और इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यक्ष का क्या मान रखेंगे, देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा यक्ष स्क्वायर माइनस नौ बराबर जीरो, तीस हो जाएगा यक्ष स्क्वायर बराबर नौ, तो हो जाएगा यक्ष स्क्वायर यक्ष बराबर प्लस माइनस करनी नौ। तो इस प्रकार हमको यक्ष का मान क्या आएगा, प्लस माइनस तीन, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे प्रदत्त क्या मिला, देखिए प्रदत्त समुच्चय क्या है, ये आ गया, देखिए यहाँ पर तीन और माइनस तीन प्राप्त हुआ है, मगर बोला ये प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो प्राकृतिक संख्या एक से प्रारंभ होता है इसलिए माइनस थ्री नहीं रहेगा, तो हमको क्या मिला, तीन। तो देखिए अब इस जो समुच्चय मिला इसमें अवयवों की संख्या तो निश्चित है, एक अवयव प्राप्त हुआ है, अतः यह समुच्चय क्या हो जाएगा, ये परिमित हो जाएगा, ठीक ना, ये परिमित है ये, ठीक ना। इसी प्रकार जब इसको देखेंगे तो इसको देखिए ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय होना चाहिए ना, प्राकृतिक संख्या, और इसमें देखिए क्या मान रखेंगे, तो यक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब अगर हम इसको हल करें तो देखिए यक्स का स्क्वायर बराबर चार, तो यक्स बराबर प्लस माइनस करनी चार, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस माइनस दो, इसका मतलब एक बार प्लस दो और एक बार माइनस दो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए जिसके कारण ये माइनस दो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो हमको प्रदत्त समुच्चय क्या मिला, तो देखिए यहाँ पर केवल टू आएगा, ठीक ना। तो प्रदत्त समुच्चय तो ये दो है, इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, तो अतः कह सकते हैं कि ये एक परिमित समुच्चय है, तो ये हो गया परिमित समुच्चय। इसी प्रकार अब इसको देखते हैं, तो देखिए यन एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और यक्ष एक अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्याओं की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक ना। तो ये दो से अगर शुरू करें, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह, ठीक ना, सत्रह उन्नीस, इस प्रकार ये अनंत हो जाएगी, ठीक ना। तो अनंत है तो इसको बोलेंगे कि जिसका ऐसा जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो उसको अपरिमित बोलते हैं, तो इस प्रकार ये अपरिमित हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अब देखिए इसको देखेंगे तो इसमें देखिए यक्ष एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और यक्ष एक विषम है, तो मतलब इसका मतलब हमको एक निकालना है कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयव एक प्राकृतिक विषम संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो विषम प्राकृतिक संख्या, तो लिख देंगे विषम प्राकृत संख्या, तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह, तो इस प्रकार विषम प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनिश्चित होती है इसलिए यह अपरिमित हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए लास्ट में है, इसमें देखिए यह यक्ष क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो टू यक्स माइनस वन बराबर जीरो, टू यक्स बराबर एक, यक्स बराबर एक बटे दो, तो देखिए एक बटे दो प्राकृतिक संख्या नहीं होती, तो इस प्रकार इसमें कोई भी अवयव नहीं रहेगा, मतलब ये एक प्रकार का रिक्त
समुच्चय हुआ। और रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय बोलते हैं, क्योंकि इसमें इतना हमको मालूम है कि अवयवों की संख्या शून्य है, मतलब कुछ नहीं है, इतना तुमको मालूम है अवयवों की संख्या शून्य, इसलिए ये जो रिक्त समुच्चय है ये परिमित समुच्चय में आता है। तो लिखेंगे परिमित समुच्चय, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण देख लिए, अब प्रश्नावली 1.2 करेंगे।